और सोलर लाइट्स केस, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश। नैब ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद। उधर पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने ट्वीट किया कि मंसूबे में बेजाब्तगियों के बावजूद मुराद अली शाह बतौर वजीर खजाना सिंध में फंड जारी करते रहे। पंजाब हुकूमत का लोकल ट्रांसपोर्ट बहाल करने से इनकार। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस नहीं चलाई जाएगी। स्पीडो बस सर्विस समेत लोकल ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी बंद रखने की हिदायत। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,350 मुलाजिमों को फारिग करने का फैसला। गोल्डन हैंडशेक किया जाएगा। ईसीसी ने पाकिस्तान स्टील्स के मुलाजमों के लिए 18 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। उधर बिलावल भुट्टो कहते हैं मुलाजमों को निकाला गया तो मुजाहमत करेंगे। आईएसआई हेडक्वार्टर्स में वजीर आजम की जिले सदारत इजलास, आर्मी चीफ, DGISPR, दीगर हुकाम की शिरकत। पेशीदा इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस के साथ अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी काविशों पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ्फुज़ के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने ISI की कुर्बानियों और अनथक काविशों को सराहा। नाम था तस्वीर का, ये इसलिए था कि नहीं जी अभी तो आली पनाह अभी बिल्कुल एक्टिव हैं और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो ये उनको डराने का था, जबकि उनके जो भाई हैं वो तो यहाँ पे अपने आप को एक किस्म का अनडिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं। हम समझते हैं कि किसी भी वक्त जो है तो इनको वो पकड़ा जा सकता है और उनको बाहर तो नहीं जाने दिया जाएगा, जो उनकी ख्वाहिश है। शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, हुकूमत का ऐलान। शिबली फराज कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर गौर जारी है। मईशत के टिड्डी दल आजकल बहुत मुतहरक है। नवाज शरीफ की तस्वीर फैलाने का मकसद ये बताना था कि आलम पनाह ठीक नहीं। फारूक हबीब बोले शरीफ खानदान जालसाजी की फाउंड्री है। वजीर आला पंजाब ने मुर्गी के गोश्त की कीमत 300 रुपये किलो मुकर्रर करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं मुर्गी का गोश्त 260 रुपये किलो से ज़्यादा में फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बेमौसमी बारिशें, फलों के बादशाह आम की पैदावार बुरी तरह मुतासर। रही सही कसर लॉकडाउन ने निकाल दी, बागबान परेशान, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। अमरीका ने चीन के मुसाफिर तैयारों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक 16 जून से चीनी तैयारों को अमरीका में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इकदाम चीन के अमरीकी तैयारों को बीजिंग में उतरने की इजाज़त ना देने पर उठाया गया। और कराची में आज भी आंधी चलने का इम्कान है। मगरिब के वक्त तूफ़ानी हवाएं मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के दबाव से अचानक तूफानी कैफियत बन सकती है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़ुहैब जेजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी ज़ुहैब बताएगा कराची का मौसम आज कैसा रहेगा, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। जी देखिए बिल्कुल, अगर इस वक्त अगर हम बात करें, सुबह का वक्त है कि कराची का मौसम बहुत ही सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और घेरे बादल भी हमने आसमान पर देखे हैं। लेकिन जो मेट्रोलॉजिस्ट का जो महकमा है वो बताता है कि आज मौसम काफ़ी गर्म रहेगा। इस वक्त अगर दर्जा हरारत की बात करें तो 29 सेंटीग्रेड है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 35 से 37 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके अलावा जो गुज़िश्ता रोज़ जो तेज़ हवाएँ और के साथ जो है वो मिट्टी का तूफ़ान आया था, आंधी आई थी, आज उसका दोबारा आने का अंदेशा है। उसकी वजह जो मेट्रोलॉजिस्ट का जो महकमा है वो बताता है कि सूरज ग्रूब होने से कबल जो हवाओं का जो दबाव है वो कम हो जाता है और समंदरी हवाएं भी जब नहीं चलती हैं
तो उसकी वजह से आंधी की जो कैफियत है वो बनना शुरू हो जाती है। तो मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है कि आज भी अचानक सूरज गुरूब होने से कबल या बाद में आंधी जो है वो आ सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं और बूंदाबांदी भी इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में देखी जा सकती है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ जब तेज़ हवाएं चली थी, आंधी आई थी, तूफान आया था, तो चार अफराद जो है वो जहाबाग मुख्तलिफ हादसात में हो गए थे, बिजली मुअत्तल हो गई थी, रोड पर जो गाड़ियाँ थी वो अचानक रुक गई थी और जो कहीं दरख थे वो गिर गए थे। ये मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में इस साल आम की पैदावार में 40% कमी का खदशा पैदा हो गया है। कम पैदावार के बाद व्यापारियों ने भी बागबानों से मुआहदे खत्म कर दिए, जिसके बायस आम के काश्तकारों को भारी माली नुकसान का खदशा है। ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। रवां साल जनूबी पंजाब में बेमौसमी बारिशों, आंधियों और तेले की बीमारी ने आम की फसल को निशाने पर लिए रखा, जिससे आम की फसल 40% कम होने का खतरा पैदा हो गया है। व्यापारियों ने भी फसल की कमी को जवाब बनाकर आम के बागात ठेके पर लेने के मुआहदे मनसूख कर दिए हैं, जिस पर काश्तकार शदीद परेशानी से दोचार और हुकूमती रिलीफ के मुंतजर हैं। हमारा बागों का जो फसल है तकरीबन 50% भी बड़ी मुश्किल से है। किसान को बड़ी इस लिहाज से परेशानी है जी, क्योंकि सालाना आमदनी तो यही होती है आम की, हमारे इधर औरतों की फसल होती नहीं। तो गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि वो किसानों को इनको रिलीफ दे, कोई हेल्प करे किसान की। गुज़श्ता साल पंजाब भर में 13 लाख मैट्रिक टन आम की पैदावार हासिल हुई थी, जबकि रवां साल 8 लाख मैट्रिक टन पैदावार ही मुमकिन हो सकेगी। कम पैदावार के बायस काश्तकारों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे दो जो आम के जिनसे हैं सिंदड़ी और सफेद चौंसा, इनकी पैदावार कम होगी, लेकिन इसके बराबर में जो दूसरे हमारे जिन्स हैं उन्होंने भरपूर फल लिया है। कोरोना वायरस के पेशे नज़र आलमी सूरत हाल यूं ही ख़राब रही तो आम की एक्सपोर्ट भी बुरी तरह मुतासर होगी। मौसमी तब्दीलियों ने आम की पैदावार शदीद मुतासर की है, जिसकी वजह से बागबानों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़ मुल्तान। और डेरा गाजी खान में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल दस्तियाब नहीं है। शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे याकूब बुज़दार से। जी याकूब बुज़दार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम कर दी, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ ही डेरा गाजी खान में पेट्रोलियम मसनूआत की शार्टेज पैदा हो चुकी है। डेरा गाजी खान शहर की बात करें या गिरदोनवा के तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर इस वक्त तेल दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानब जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, शहरी जो है रक्शे के जरिए, कोस्टर्स के जरिए शहर के अंदर या शहर से बाहर अपने घरों की तरफ जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए, उसकी बंदिश की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल की शार्टेज की वजह से गाड़ियां जो हैं वो बंद हो चुकी हैं मुतअद्दिद, और किराए जो हैं वो भी डबल हो चुके हैं। ब्लैक के ऊपर अगर कहीं पर पेट्रोल दस्तियाब है तो उसकी कीमत 300 रुपये फी लीटर जो है यहां पर हमें दिखाई देती है। जबकि दूसरी जानब पेट्रोल पंप मालकान का कहना है कि जो पीछे से हमें ऑयल कंपनियाँ हैं वो तेल प्रोवाइड नहीं कर रही। शहरी इंतजामिया से मुतालबा और दरख्वास्त करते हुए नजर आते हैं कि तेल की फरहमी को फिलफौर यहाँ पर दस्तियाब किया जाए ताकि उनकी जो दिखाई देते हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे याकूब बुज़दार से। जी याकूब बुज़दार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम कर दी, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ ही डेरा गाजी खान में पेट्रोलियम मसनूआत की शार्टेज पैदा हो चुकी है। डेरा गाजी खान शहर की बात करें या गिरदोनवा के तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर इस वक्त तेल दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानब जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, शहरी जो है रक्शे के जरिए, कोस्टर्स के जरिए शहर के अंदर या शहर से बाहर अपने घरों की तरफ जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए, उसकी बंदिश की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल की शार्टेज की वजह से गाड़ियां जो हैं वो बंद हो चुकी हैं मुतअद्दिद, और किराए जो हैं वो भी डबल हो चुके हैं। ब्लैक के ऊपर अगर कहीं पर पेट्रोल दस्तियाब है तो उसकी कीमत 300 रुपए फी लीटर जो है यहां पर हमें दिखाई देती है। जबकि दूसरी जानब पेट्रोल पंप मालकान का कहना है कि जो पीछे से हमें ऑयल कंपनियाँ हैं वो तेल प्रोवाइड नहीं कर रही। शहरी इंतजामिया से मुतालबा और दरख्वास्त करते हुए नजर आते हैं कि तेल की फरहमी को फिलफौर यहाँ पर दस्तियाब किया जाए ताकि उनकी जो सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल की शार्टेज की वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं मुतअद्दिद,
थे और किराए जो हैं वो भी डबल हो चुके हैं। ब्लैक के ऊपर अगर कहीं पर पेट्रोल दस्तियाब है तो उसकी कीमत 300 रुपए फी लीटर जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती है, जबकि दूसरी जानब पेट्रोल पंप मालकान का कहना है कि जो पीछे से हमें ऑयल कंपनियाँ हैं वो तेल प्रोवाइड नहीं कर रही। शहरी इंतजामिया से मुतालबा और दरख्वास्त करते हुए नजर आते हैं कि तेल की फरहमी को फिलफौर यहाँ पर दस्तियाब किया जाए ताकि उनकी जो मुश्किल हैं उनका खात्मा हो सके।